दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावसर नामक स्थान पर बाबा रामदेव जी व डालीबाई का मंदिर है, जो कि अपने चमत्कार के लिए जाना जाता है। पुजारी के अनुसार यह मंदिर तकरीबन 372 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना रुणेचा के पगलिया लाकर की गई थी। कहते हैं कि पगलिया लाने वाले के शरीर पर कोढ़ का रोग था। उस कोढ़ को खत्म करने के लिए पगलिया सर पर रखकर लाए गए थे। धीरे धीरे अब उस जगह मंदिर का निर्माण हो चुका है। पुजारी बताते हैं कि उनकी 3 पीढ़ियां यहां पुजारी के रूप में सेवाएं दे रही है। मंदिर की अनोखी बात यह है कि प्रसाद के रूप में झाड़ू व नमक चढ़ाया जाता है। भादवा की कृष्णा दशमी व माघ महीने में मेला भरता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला का निर्माण भी करवाया गया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी इच्छाएं मंदिर में धूप लगाने से पूरी हुई है, जिस वजह से उनका अटूट विश्वास है। इच्छाएं पूर्ण होने के लिए श्रद्धालु पैदल भी आते हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पंजाब तक के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि शरीर की त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे खुजली, दाग, वो सब बाबा के प्रति आस्था व श्रद्धा होने से ही खत्म हो जाते हैं। श्रद्धालु कहते हैं कि बाबा के मंदिर पर सच्चे मन से यात्रा करने पर उनके रोग खत्म हुए हैं। दोस्तों, डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी, और यह मान्यता है कि जब रामदेव जी का समाधि का वक्त हुआ, तब रामदेव जी उस स्थल पर गए जहां उनको समाधि लेनी थी। उस समय डालीबाई वहां आई और कहा कि यहां पर मेरी कुछ वस्तुएं गाड़ी हुई है और यह जगह मेरी है, पहले मैं समाधि लूंगी। और तब से डालीबाई की पूजा पहले होती है, फिर रामदेव जी की। रामदेव जी के यहाँ सभी धर्मों के लोग धूप लगाने आते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव जी के साथ साथ उनकी धर्म बहन डालीबाई और गोसाई जी महाराज की मूर्तियाँ भी स्थापित है। सर्वप्रथम डालीबाई की पूजा होती है, उसके बाद बाबा रामदेव जी की, और अंत में गोसाई जी महाराज को धूप लगाई जाती है। पुजारी बताते हैं कि डालीबाई ने रामदेव जी से पहले समाधि ली और उनके बड़े होने की वजह से उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।